नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने बुलाई एक ऐसी मीटिंग जिसमें हरियाणा कांग्रेस फिर दिखी दो फाड़ में। जी हां, फतेहाबाद में प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से दो फाड़ नजर आई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस की मीटिंग, लेकिन बैनर नहीं दिखा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर का, और ना ही बैनर में उनके कोई फोटो थे। गुटबाजी के कारण तंवर पक्ष के कार्यकर्ता भी नहीं दिखे मीटिंग में। वहीं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा मीडिया के सवालों पर भी उखड़े नजर आए। बीजेपी के लिए कहा कि लोकसभा चुनाव जीतकर भाजपा घमंड के घोड़े पर सवार हो चुकी है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस है सबसे मजबूत पार्टी। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी को एकजुट करने के प्रयास होने के बजाय ऐसे पार्टी मीटिंग में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस हरियाणा में दो फाड़ नजर आ रही है। फतेहाबाद में आज पूर्व CPS एवं 2009 में निर्दलीय विधायक रहे प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने स्टेज पर एक ऐसा बैनर लगाया गया था जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की फोटो नहीं थी। ऐसे में मीटिंग में पहुंचे कई कार्यकर्ता इस मीटिंग को प्रहलाद सिंह की मीटिंग समझ करके वापस लौट गए। वहीं कांग्रेस की एकजुटता के सवाल पर खुद प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने मीडिया के सामने अपना कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि फतेहाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों के बारे में जब प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपना नाम ही टिकट के लिए फाइनल बताते हुए कहा कि 2014 में कांग्रेस की टिकट पर वह चुनाव लड़े थे और अब तक कांग्रेस के हाईकमान ने उनकी टिकट वापस नहीं ली है। यहीं आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ही हैं। 2009 के बीच चुनाव में गिलाखेड़ा की कांग्रेस टिकट काटकर उन्हें दूर विरोधी रहे चौधरी दुड़ाराम को जब मीडिया के सवाल किया गया तो उन्होंने प्रहलाद सिंह ने उखड़े हुए तेवर में कहा कि दुड़ाराम का नंबर आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, यह सवाल आप दुड़ाराम से ही पूछ लो। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। का स्वागत है, आप आए। दूसरा, आज की जो हमारा ये प्रोग्राम है ये हमारी चुनाव के बाद में पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और आज की हमारी इस मीटिंग का हमारा मेन मकसद यही है कि अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरीके का रिजल्ट हम सोच रहे थे उस तरीके का रिजल्ट हरियाणा में नहीं बल्कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। कि लोकसभा का जो चुनाव था इस चुनाव के अंदर मुद्दे अलग थे और ख़ास तौर पे ये पहला लोकसभा का चुनाव है, मेरे को भी कम से कम 6-7 इलेक्शन हो गए अच्छी तरह ध्यान है कि आज तक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो था इसमें कोई मुद्दा था ही नहीं। तो आज ये सरकार जो इस बहुत ही घमंड के घोड़े पर सवार होकर ये समझ रही है ना कि इस तरीके का माहौल बन जाएगा तो ये गलतफहमी में है। कांग्रेस पूरी स्ट्रॉन्ग होके और ये चुनाव लड़ेगी और इन मुद्दों के ऊपर हम सरकार को पूरा घेरेंगे, गली से लेके विधानसभा तक हम इनके खिलाफ जो जो मैंने आपको ये बातें बताई इन सब के खिलाफ हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे और आम जन के लिए जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम सरकार से जवाब तलबी करेंगे। तो इन मुद्दों के ऊपर हम आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोग इस सारी बात को समझते हुए विधानसभा के इलेक्शन में आपको रिजल्ट सारा इसके उल्ट मिलेगा। और एक बात है जी, लड़ेंगे तो पक्का, कांग्रेस लड़ेगी तो पक्का, कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? ये तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। और ये जो रिजल्ट आपने आप देखे ना इसके कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? लेवल पे तो कहीं कोई तैयारी नजर नहीं आ रही पार्टी की। देखो आपके पास ब्लॉक प्रधान नहीं, जिला प्रधान नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे? अब जल्द ही ये संगठन भी हमारा बन जाएगा, बहुत जल्द। तो 60 दिन पड़े हैं जी, जल्द और कितना? नहीं अभी 100 दिन है ना, सितंबर में हो जाएंगे? ना ना सितंबर में नहीं होंगे, ऐसा है संगठन भी बनेगा और जहाँ तक तैयारी का सवाल है वर्कर कायम है। अब ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है इस बार कांग्रेस, तो इसकी मुख्य वजह संगठन को मानते हैं या मोदी वे मानते हैं?
इस इलेक्शन में मोदी वेव थी, कांग्रेस में पटरी हुई नहीं, कांग्रेस पूरी। अब ये वर्कर मीटिंग आप देखो, वर्करों का हौसला, वर्करों का जोश, और अब हमने आगे नारा दिया है एक ही कि ठगे ना जाना अब की बार, उखाड़ फेंको निकम्मी सरकार, ये हमारा इलेक्शन के अंदर स्लोगन होगा। अगर दूड़ा राम ज्वाइन करते हैं बीजेपी, कांग्रेस को कोई नुकसान होगा क्या? देखो, दूड़ा राम जी का टेलीफोन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे दूं, आप उनसे बात करो, वो उसका बेटर। देखो, मैं तो उसका उनका नंबर दे सकता हूं, उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता। उनका टेलीफोन नंबर भाई जी अगर आपके पास ना हो तो वो मैं अवेलेबल आपको करवा दूं। बीजेपी तो क्या कांग्रेस को नुकसान होगा क्या किसी तरह? कांग्रेस को नुकसान जब कोई साथी छोड़ के जाता है तो देखो एक बार तो नुकसान पार्टी का होता ही है, लेकिन उसके बाद में नए साथी जुड़ जाते हैं। तो कोई भी हमारा साथी जाता है तो हम तो यही चाहेंगे हमारा कोई भी साथी छोड़ के ना जाए। टिकट का जहाँ तक आप टिकट किया बार बार पूछ रहे हो, आप मेरे को ये बताओ पिछली बार टिकट किसके पास थी? यहाँ से 2014 में कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? मैं था ना। तो आज तक कांग्रेस का हाईकमांड ने मेरे से टिकट वापस तो ली तो है नहीं। आपके पास कोई चिट्ठी आई तो मेरे को दिखा दो। तो मैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ, आप बताओ भाई। मेरे पास तो अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई भाई प्रहलाद सिंह आप कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं हो। अगर आपके पास कोई आई हो तो हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे खिलाफ कोई चिट्ठी नहीं होगा, सारा ये चलेगा। यानी दावा ठोकेंगे टिकट का, क्यों चिंता करते?